रिटर्निंग अधिकारी अवधेश कुमार निगम के नेतृत्व में फतेहपुर नगर पालिका परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नहर कॉलोनी परिसर में हुए कार्यक्रम के दौरान राजकुमार मौर्य ने फतेहपुर नगर पालिका परिषद के 27वें अध्यक्ष के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके साथ ही नगर पालिका के 34 सभासदों को भी शपथ दिलाई गई। राजकुमार मौर्य ने बताया कि फतेहपुर नगर पालिका के विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सदर विधायक चंद्र प्रकाश लोधी, हुसैनगंज विधायक ऊषा मौर्य, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, फूल सिंह मौर्य, चेतन यादव, राज सिंह सहित भारी संख्या में समर्थक, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका फतेहपुर के नवनिर्वाचित माननीय अध्यक्ष जी की और 34 वार्डों के सभी सम्मानित सभासदों की शपथ ग्रहण समारोह यहां पर संपन्न हुआ है और पूरी शांति और व्यवस्था और एकता के साथ हमारा पूरा सदन यहां पर। हमारा मुख्य उद्देश्य नगर का विकास और हम प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी सम्मानित सभासदगण हैं उनके साथ बैठ करके बोर्ड बैठक में नगर के विकास का एजेंडा तय करेंगे और बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे और नगर पालिका को सजाने और संवारने का काम करेंगे। नगर पालिका परिषद की ओर से नहर कॉलोनी स्थित परिसर में अध्यक्ष और सभासद के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर SDM अवधेश कुमार निगम ने सबसे पहले नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव जीत कराए राजकुमार मौर्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने 34 सभासदों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद SDM अवधेश कुमार निगम ने बताया कि बेहतरीन कानून व्यवस्था के बीच चुनाव और शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। उन्होंने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष राजकुमार मौर्य और सभी सभासदों को उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आवास विकास वार्ड से दीपक कुमार मौर्य, देवीगंज वार्ड से पूजा देवी, ईशानपुर वार्ड से सुनील कुमार गुप्ता सहित सभी 34 सभासदों ने शपथ ली। ऐसा है कि बोर्ड बैठक जब आज के बाद पारी की शुरुआत हुई है, हमारे नए सभासद सब चुनकर आए हैं, सहमत से जो है बोर्ड बैठक तय हो जाएगी, कोई थोड़ा विषय नहीं है। और विकास का एजेंडा मैंने पूर्व में भी आप लोगों से बताया है कि हमारा जो मुख्य एजेंडा है कि नगर को जिस गति से पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल हमारे समाजवादी पार्टी की पूर्व चेयरमैन ने, निवर्तमान चेयरमैन ने जिस प्रकार से सजाया संवारा है, उसको और तेज गति से हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और एक तरफा केवल हमारा मुद्दा विकास होगा, इसके अलावा हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है। राजनीतिक सारी चीजें पीछे रख करके हम प्रयास ये करेंगे कि सर्वसम्मत से हमारा जो बोर्ड है विकास के मुद्दे पर एकमत हो और विकास को आगे बढ़ावे। मेरे गांव की वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख समस्याओं में जो जल निकासी की समस्या है कुछ ज़्यादा ही है और उसके अलावा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं बहुत कम है और जो रोडें हैं क्षतिग्रस्त हैं उनको नवीनीकृत करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। फतेहपुर से डेली इनसाइडर रिपोर्ट के लिए आशीष सिंह। चाहे जिंदगी की गाड़ी हो या फिर आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने वाली गाड़ी, वो स्मूथली आपको आपके लक्ष्य तक तभी पहुंचाएगी जब फिट होगी। और फतेहपुर में आपकी गाड़ी को फिट और फाइन रखने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है नवा बाग स्थित आकांक्षा TVS परिसर में श्यामा मोटर्स, जो कि एक मल्टी ब्रांड सर्विस कंपनी के साथ MyTVS का अधिकृत सर्विस स्टेशन भी है। यहाँ पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की कारों की सर्विस, वॉशिंग, एक्सीडेंटल रिपेयर के लिए सुसज्जित बॉडी शॉप, पेंट बूथ, एसी गैस रिकवरी, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग सहित अन्य गुणवत्तापूर्ण सेवाएं। श्यामा मोटर्स का जनरल इंश्योरेंस की 23 कंपनियों के साथ कैशलेस टाइप भी है। यही वजह है कि यहां आपको इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9151715344, 8948501000 पर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।